कोई किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं करता। आपको किसी से मोहब्बत हो गई, आप खुश होंगे, पर ये खुशी अपने भी बर्दाश्त नहीं करते। वो आपको कहेंगे वो सही नहीं है। हर बंदा इसके खिलाफ भड़काएगा। असल में ये अपने नहीं बल्कि आस्तीन के सांप हैं। पर आप मोहब्बत कम नहीं करना। जिसने हर वक्त साथ दिया इसे कभी मत छोड़ना। अपने आप को माजी का कैदी न बनाओ। वो जिंदगी का सबक था, कोई उम्र भर की सजा नहीं। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो वो हद से ज़्यादा खुश अखलाक हो जाता है। अपनी औलाद के लिए सहूलियात ज़िंदगी से ज़्यादा तरबियत की फ़िक्र करो। परिंदे अपने बच्चों को परवाज सिखाते हैं, घोंसले बना बना कर नहीं देते। जिस दिन ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ इसकी सोच हमसे अलग है, इस दिन ज़िंदगी से बहुत से दुख ख़त्म हो जाएंगे। फातिहा लोगों के मरने पे नहीं, एहसास के मरने पे पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। हमेशा बुराई से नफ़रत करना, बुराई करने वाले से नफ़रत मत करना, वरना आप में वो बुराई पैदा हो जाएगी और आप पर तवज्जह का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अल्लाह दुख भरी दास्तान को बड़े ध्यान से सुनता है, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है, लेकिन अगर सारे ही गम सुलझ जाएं तो आदमी और इसमें बातचीत बंद हो जाती है। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझा कर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं।